आज के वीडियो में बात करने वाले स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बारे में। जब इसका ट्रेलर आया, उसका ट्रेलर मैंने देखा तो मुझे मजा नहीं आया। आखिर तुम लोग मुझे बताओ कि कौन सा स्टूडेंट अपने कॉलेज के ऐसे कपड़े पहन के आता है। नहीं यार, कुछ खास मजा नहीं आ रहा है। अरे हाँ, नॉर्थ वाला स्लैंग यूज करता हूँ, डैंग भी तो लगना है। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बारे में। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो हमको पता लगा कि करण जो ना क्या चूतिया का हत्या है। तुम लोग मुझे बताओ कौन सा स्टूडेंट अपने कॉलेज में ऐसे कपड़े पहन के आता है। ये साला ससुरी कॉलेज ही पेटी चूत जगह है। पेटी चूत कहेगा, टट्टी कहेगा, देश में कितनी गरीबी आए लेकिन नेताओं को क्या फर्क पड़ेगा। देश में कितनी गरीबी आए लेकिन नेताओं को क्या ही फर्क पड़ेगा। और अगर यूट्यूब पे कोई और टट्टी करे तो लक्ष्य चौधरी क्या करेगा। डॉगी स्टाइल अपने देश की एक्ट्रेस के लिए इतनी इज्जत है भाई इनके दिल में। जबकि ना कोई वो कंट्रोवर्सी करती, ना कभी कोई ट्वीट करती, ना कभी कुछ उल्टा सीधा पोस्ट करती, अपने काम से काम रखती है। का ध्यान मेरा। एबीवी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके ओरिजिनल गाने से ज्यादा अटेंशन उसके गाने के छोटे से पार्ट पे चुत्तड़ मटकाती हुई ये लड़कियां ले जाएंगी। आज हम बात करने वाले उस इंसान के बारे में जिसके हिसाब से एक रैप्टा मार दूंगा और ऐसे चुत्तर की शक्ल का है लौंडा। ऐसा बोलने से उसे लगता है कि उसे रोस्ट वीडियो कहते हैं। जो बंदा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, हेट और जोक के बीच में फर्क करना नहीं जानता तो सीखना पड़ेगा। जो बंदा पूरे इंडिया को डैंग बना रहा है। अब इंडिया को हम और ज्यादा नॉर्मी नहीं रहने देंगे, ये टट्टी वाला दिमाग अब बदलना पड़ेगा और इंडिया को भी अब डैंग बनना पड़ेगा। डैंग बनना पड़ेगा। A few inches later भाई एक डैंग जोक मार दो। अरे भाई डैंग जोक बहन चुतड़ों में डाल के डैंग जोक की बहन जब चट्टी निकाल दूंगा, डैंग जोक चुतड़ से निकाल दूंगा तुम्हें दे दूंगा। अब भोसड़ी वालों रोस्टर ने जोक मारा है, मैं चुतड़ हो क्या? मैं चुतड़ा बोलते हैं इनको सपने छो रहा है। लक्ष्य भैया कॉलिंग हिमसेल्फ एज अ डैंग, बट एट द सेम टाइम अगर कोई उस पर वीडियो बना के उनको क्रिटिसाइज करे तो लक्ष्य भैया उसके चैनल पे कॉपीराइट टैग दे देते या फिर उस वीडियो को टेक डाउन करवा देते। इन लास्ट ईयर सनरेवी, पापा ओकस एंड शिवम त्रिवेदी मेड अ वीडियो ऑन लक्ष्य चौधरी एंड गेस व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। दिस ऑल थ्री वीडियो वाज टेकन डाउन बाय लक्ष्य चौधरी एंड आई थिंक दिस वीडियो विल बी द फोर्थ वन। लक्ष्य यू हैव मैसिव अमाउंट ऑफ ऑडियंस, इधर इट कैन बी अ फैन और हेट एंड हेटर विल ऑलवेज स्प्रेड द हेड बट यू हैव टू एक्सेप्ट द बोथ ऑफ द साइड ऑफ कॉइंस। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। उसके बाद मैंने लक्ष्य पे रिसर्च करने चालू किया, उसके पुराने वीडियोस देखे। जो वुमेनाइजर है, जो एल्कोहोलिक है, जो लड़की को थप्पड़ मारता है, गुस्से वाला है, उसको हीरो मत दिखाओ। एक्चुअली मिस गांड मिस फेमिनिस्ट वो रियलिटी तो दिखाई गई, लोंडे तो ऐसे ही स्टड होते हैं, हम लोग तो ऐसे ही कूल होते हैं। मैंने लक्ष्य चौधरी के वीडियोस देखे पर मेरा एक डाउट था, मतलब किस तरीके के आखिर ये कंटेंट बना रहा है। मतलब तुम अगर देख लो, बेबी गेमर्स मेकिंग वीडियो ऑन वाइंस कैटेगरी, टेक्निकल गुरुजी मेकिंग वीडियो ऑन टेक कैटेगरी, कैरेमिनाटी मेकिंग वीडियो ऑन रोस्ट कैटेगरी इंक्लूडिंग मी। अरे मजाक कर रहा हूँ, सेक्शन में गाली पड़ेगी। तो ऐसे यहाँ पे मैं लक्ष्य चौधरी के ऊपर देख रहा था कि मतलब वो किस तरह की कैटेगरी के वीडियो बनाता है। देन आफ्टर वर्ड्स आई फिगर इट आउट कि वो रोस्ट वीडियो बनाता है। एक तरफ लक्ष्य चौधरी वुमनाइजर बनके लड़कियों को स्क्रीनशॉट देने को कहता है अगर कोई उनको बॉडी शेमिंग या स्लट शेमिंग करे, बट एट द सेम टाइम ही डज दिस। के गाने के छोटे से पार्ट पे चुतड़ मटकाती हुई ये लड़कियां ले जाएंगी। सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? भाई चाहते क्या हो यार, वो जानवरों को क्यों सिड्यूस कर रहा है भाई, होड़नी फील करने लगेंगे वो। हसो भोसड़ी वालों, रोस्टर ने जोक मारा है, देखो इसके होठ कैसे लग रहे हैं। और होठ, ओए होए, इसके होठ पे पॉमेल एंडरसन फेंक के मार दूं, न जाने कितने प्राचीन राक्षसों के चुतड़ एक साथ चुमे होंगे इसने, तब जाके ऐसी सूजन पैदा की है इसने अपने होठों पे। जोक है भाई, ये लड़का कम लड़की ज्यादा लग रहा है। ने अपील किया टिकटॉक बैन करने के लिए, काफी लोगों के लुगाई नहीं, काफी छक्कों के होश उड़ गए। हसो भाई, अरे भोसड़ी वाले रोस्टर ने जोक मारा है। इसकी वीडियो से अगर तुमने तीन चार वर्ड हटा दिए जैसे टट्टी, चुत्तड़, लुगाई, तो तुमको इसकी वीडियो कुछ इस तरह लगेगी। चलो यार, पर ये तो पहले की वीडियो है, लक्ष्य भैया तो अभी सुधर गए, लक्ष्य भैया तो अभी डिसेंट कंटेंट बनाते हैं। बस यही मैं भी सोचता था पर मैं गलत था। अब लक्ष्य भैया ने एक रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें वो एक लड़की को सपोर्ट कर रहे थे, विच इज वेरी गुड थिंग, पर वो लड़की जेंट्स वॉशरूम में जाके वीडियो बना रही थी।
अरे भैया मेरी बॉल फंसा भरे दीवाने। ये एक प्रैंक वीडियो है जहाँ पे आरजे महवेश एक जेंट्स वॉशरूम में घुसती है और एक ऑक्यूपाइड वॉशरूम में एक बॉल फेंक देती है और लड़के से बोलती है मेरी बॉल वापस दो, मुझे उसके साथ खेलना है। काफी लौंडे इस वीडियो से ऑफेंड हो गए, लेकिन मैं बताऊं मैं नहीं हुआ, मेरे को ये वीडियो बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी। एक लड़की वीडियो बनाने के लिए जेंट्स वॉशरूम में पहुंच जाती है और वो बॉल फेंकती है अंदर और बॉल वापस देने को कहती है, और इससे हमारे लक्ष्य भैया ऑफेंड नहीं होते। आरजे महवेश के साथ मेरा एक इंटरव्यू है, लेकिन मैं उसके ऊपर सिंप नहीं कर रहा हूँ। लौड़ा चूतिया बना रहा है। इंग्लिश हो गई यार, इतनी तो मैंने कभी सीखी भी नहीं। अगर मैं स्कूल में इतनी कर देता तो मैं कैन फाड़ देता सबकी। भाई तूने सच में स्कूल में सीखा होता ना तो गांड फाड़ देता या नहीं फाड़ देता ये तो मुझे नहीं पता, पर तू क्रिटिसाइज और हेटरेट के बीच में फर्क जरूर कर लेता। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आरजे महवेश के अकाउंट से वीडियो डिलीट हो चुकी है, हमारा कमजोर माइंडसेट जीत चुका है, कोई भी अब आगे कुछ ऐसे अच्छे आइडिया यूनिक फनी स्क्रिप्टेड प्रैंक करने की नहीं सोचेगा। भाई तू कैसे मोटी जड़ बुद्धि वाला इंसान है, तुझे अभी भी लग रहा है ये वीडियो सही था? ऑल तो मुझे पता है कि एक स्क्रिप्टेड रहता है, फिर भी इसका जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी में गलत मैसेज देता है और इसे खुद की ऑडियंस का साथ नहीं दे रही कमेंट सेक्शन में। अब तो समझ जा नहीं लगे जैसे कैसी है दवाई है, फिर भी चलना मुझे यही तो दवाई है। लोग सारे कहते मुझे बेटा तू है बुझ, दिल हल कैसे करूं इतनी है मुश्किल, हार नहीं मानी मैंने अपने जुनून से लिखता गया, बस अपने खून से मेहनत मेरी लेके आगे जाएगी, कब तक प्रॉब्लम मुझको न जाएगी।